हाइट लंबी करेंगे अपनी। तो गाइस ये है एंट्री पॉइंट। तो अभी हम ब्लॉग को आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम बता दें आपको, तो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया ब्लॉग। तो गाइस हम आपको लेके आ चुके हैं आज मछली गार्डन में, जो कि चंबा के पास मतलब लोअर जुलाखड़ी में है। तो यहाँ पे हम आज ब्लॉग शूट करने आए हैं। ब्लॉग शूट तो क्या ही, हम यहाँ पे घूमने आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए साथ में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा जैसा कैंपस है आप देख पा रहे होंगे, तो बस ये मेन रोड के साथ जो चंबा भरमौर रोड है उसके साथ ही लगता है, नीचे की साइड है। तो काफ़ी अच्छा मतलब प्लेस है ये घूमने के लिए। यहाँ पे नीचे रावी नदी भी है, चलती है साथ में रावी नदी है, तो यहाँ पे भी आपको हम लेके चलेंगे। बट यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एंट्री वगैरह करवानी पड़ती है, एंट्री लिस्ट देनी पड़ती है। यहाँ पे 40 रुपये पर पर्सन है। तो भैया से पूछते हैं कि, तो ये हमारे भैया बैठे हुए हैं जो कि एंट्री वगैरह करते हैं, तो भैया बता दें कितने रुपये एंट्री। तो गाइस 40 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ये रेस्टोरेंट वगैरह है। और यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ बता दें, यहाँ पे हुक्के वगैरह मिलते हैं, जो कि 150 का मिलता है, मतलब ऐसे यूज़ करने के लिए मिलता है, आप रख नहीं सकते अपने पास। और ये इनका पीछे रेस्टोरेंट है, और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे खा के। अभी हम आगे की तरफ चलेंगे घूमने के लिए। अभी हमने सामान अपना उस साइड रख दिया है, पहले आगे की तरफ चलते हैं, घूम के आते हैं। और गाइस वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है हुक्का 150, स्पीकर स्मॉल, स्पीकर भी मिल जाता है 1 आवर के लिए आपको 200 रुपये पर आवर, और स्पीकर डीजे 400 पर आवर। और ये ऐतिहासिक मिंजर मेला है यहाँ पे, जो बोर्ड लगा है तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो कुछ ऐसा जैसा रास्ता है। और सुमन सर यहाँ पे पहुँच के इतने मस्त हो गए हैं कि क्या ही बताएं आपको, बस फ़ोटो क्लिक करी जा रहे हैं। और ये यहाँ पे जो मिंजर यहाँ से मतलब नीचे बहाई जाती है, जब मिंजर मेला होता है तो यहीं से मिंजर मेला को नीचे बहाते हैं, तो ये उसकी परिक्रमा बनी हुई है। तो गाइस यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ। और ये कुछ ऐसा, बनो से वायु, वायु से आयु, तो ये काफ़ी अच्छा लिखा है, बनो से वायु, वायु से आयु। और ये हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग मजरी उद्यान का शिलान्यास श्री प्रेम कुमार धूमल, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा। गाइस अभी हम आ चुके हैं सीसा के ऊपर, तो ये सुमन सर मुझे उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, और सुमन सर ये बैठे हैं पीछे की साइड, और बस आराम आराम से झूला झूला रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब फ्रेंड के बारे में सोचे और अपने बारे में ना सोचे। तो ये पीछे से मुझे झूला रहे हैं ऐसे, तो हम झूल लेते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे पकड़ने के लिए कोई भी स्पॉट नहीं है, तो गाइस झूल लेते हैं। काफ़ी ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको हम इंजॉय कर सकते हो। गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे, और ये हमारे सुमन सर, तो अभी यहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं, इनको थोड़ा सा इनके साथ मस्ती करते झूलों के साथ, क्योंकि है तो बच्चों के लगे पर हम भी बच्चे हैं। तो साइड से जाएंगे इस साइड को और नीचे चले जाएंगे, तो इस साइड से यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। तो है तो ये डिफिकल्ट टास्क है थोड़ा सा गाइस, ये है मुश्किल टास्क, बट गिरे ना बस बीच में पोस्टर ना बने अपना। तो गाइस कोई है, तो गाइस ऊपर जा रहे हम, बस यहाँ पे हमारी फ़ोटो ना लगे थोड़े टाइम बाद। तो चलने को तो ऊपर चले गए हम, तो ये ऐसा जैसा कुछ ऊपर ही है, और यहाँ से नीचे का व्यू भी काफ़ी पोस्टम है, और हम बड़ा झूला झूलेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ चले जाएंगे, वो छोटे वाला झूला है, तो यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। और ये कुछ स्लाइड है, लेकिन स्लाइड पे बैठ गए वहाँ के, तो अब चले जाते हैं नीचे की तरफ स्लाइड में।
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे की साइड, तो नीचे भी एक पार्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे डाइन की साइड, यहाँ पे नदी के किनारे जाना मना है, पर हम जाएंगे फिर भी, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो रूल तोड़ना हमारा काम है, तो हम तोड़ते रहते हैं। तो गाइस चलते हैं नदी किनारे, पर नदी किनारे बड़ा ख़तरनाक सीन है यहाँ पे। पर गाइस ये जा रहे हैं हम नीचे नदी के किनारे, और नीचे सीधे नदी है देखने वाला, यहाँ से मतलब नीचे सीधी नदी है, पैर फिसला तो ख़त्म। तो ये देख पा रहे होंगे आप नीचे, ये सीधे नदी है, रावी नदी है नीचे। तो ये रावी नदी का व्यू कुछ ऐसा जैसा, और ऊपर की साइड पता नहीं गाइस कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पे आ चुके हम नीचे की साइड, और नीचे जा रहे हैं इस साइड। अब यहाँ पे है तो कुछ नहीं है, बस स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल तो खाली है, बस खाली के बीच में चले जाते हम। तो कभी यहाँ पे भी समर का टाइम आएगा, समर में तो यहाँ पे ये स्विमिंग पूल पूरा का पूरा भरा होगा, तो कितना ही मजा आता होगा यहाँ पे मतलब नहाने का सर्दियों के टाइम, सॉरी सर्दियों के टाइम गर्मियों के टाइम में। तो गाइस ये अभी तो खाली है, जब भरा होगा तब वो यहाँ पे ब्लॉग स्पेशल शूट करेंगे, नहाते नहाते ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी चलते हैं उस साइड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं, बस थोड़ा सा फेयर लग रहा है ब्लॉगिंग करने में, तो डर तो किसको ही नहीं लगता है, सभी को लगता है डर, तो कोई बात नहीं। अभी हम अपना बस थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं। और अभी हम आगे वापस उसी जगह पे, आउटसाइड फूड नॉट एलो, तो यहाँ पे आउटसाइड फूड जो है उसको एलो नहीं किया गया है। तो गाइस यहाँ से अब ऊपर की तरफ चल लेते हैं हम, थोड़ा सा पल्ली साइड भी है, इतना सा कुछ खाते भी ऊपर जाके रेस्टोरेंट वगैरह में। तो गाइस कुछ लोकेशन ऐसी यहाँ पे ये भी है, तो ये है वन मंच HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे आई थिंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग वगैरह होती होगी या कुछ होता होगा। तो यहाँ पे ये जो है फूल वगैरह भी लगाए हैं काफ़ी, सेव इन्वायरमेंट वगैरह, क्योंकि तो बच्चों ने यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। और जागृति पब्लिक स्कूल और अंजलि पब्लिक स्कूल, और साथ में यहाँ पे इस स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो ये कुछ बच्चों ने पेंटिंग बनाई है, और ये भी पेंटिंग बनी है, ये हरदासपुरा स्कूल जो है उन्होंने बनाई है पेंटिंग, तो नेचर के रिगार्डिंग सारी पेंटिंग्स बनी है। और कुछ यहाँ पे मतलब कुछ, तो गाइस अभी हम यहाँ पे लटकेंगे, थोड़ा सा हाइट लंबी करेंगे अपनी, गाइस काफी ज्यादा मस्ती करने के बाद अभी हम आ चुके हैं पत्थरों के बीच। तो ये पत्थर है पीछे की साइड देख सकते हो, मतलब ये पार्क घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट घूमने के लिए मतलब फैमिली के साथ भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे झूला वगैरह झूल रहे हैं ये पीछे, ये देखो पीछे बच्चे झूला झूल रहे हैं, और यहाँ पे हम भी थोड़ी देर में झूल लेंगे। तो गाइस कुछ अजीब सा ये झूला वगैरह, तो झूला झूलेंगे यहाँ पे, बस ज़िंदगी में ऐसे ही मज़े करते रहो, मज़ा करने में ही मज़ा ही ज़िंदगी है। तो अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता हूँ क्योंकि, तो गाइस ये चले लंबे हम, गाइस अभी हम निकल रहे हैं अपने घर की साइड, तो मैंने जैकेट वगैरह डाल लिए, तो अभी घर की साइड जाएंगे। अगर रास्ते में कुछ बना लोग शूट करने का तो लोग को नेक्स्ट शूट करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और गाइस हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्स वगैरह क्लिक किए हैं, तो आप जाके रिंकू अवंडन इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ में कमेंट कर दें।
एक कमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। तो यहाँ से चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कांदू में और यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे और पकौड़े वगैरह खाएंगे थोड़े से, फिर निकलेंगे घर पे। तो आप जानते होंगे कांदू काफ़ी फेमस जगह है, तो चंबा और पठानकोट रोड के बीच में आती है जगह, जहाँ पे काफ़ी लोग रुकते हैं टूरिस्ट वगैरह चाय वगैरह पीने के लिए। चंबा का मिड पॉइंट है, चंबा और परिखेत के बीच का मिड पॉइंट है। तो गाइस ये है हमारे भैया जो कि चाय बनाने लगे हैं और यहाँ पे पकौड़े वगैरह ये, तो ये देखो गाइस ये रखे हैं यहाँ पे पकौड़े वगैरह और ये चटनी, और ये बन रही है हमारी चाय। तो गाइस चाय बन जाएगी, फिर मिलते हैं आपसे